गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिसेस के सर जी फर्स्ट ईयर मैथ्स में आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए, यदि कोई इक्वेशन 2x² प्लस 3ix प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है और इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a बराबर 2 होगा, b बराबर 3i और c बराबर के मान 2 होगा। तो x बराबर हम इस फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इस फार्मूले में इसका ए बी सी का मान रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएंगी माइनस 3i प्लस माइनस 9i स्क्वायर बी 3i है तो 9i स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट 9i स्क्वायर, i स्क्वायर की जहाँ माइनस 1 रखने पर माइनस 9 माइनस 16 अपान 2 × 4 प्राप्त होगा। तो ये आएगा माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 अपान 4। इसको हल करेंगे तो हम चूँकि ये माइनस 25 है तो आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 3i स्क्वायर प्लस माइनस 25 आई स्क्वायर अपान 4, माइनस 1 की जहाँ पे आई स्क्वायर रखेंगे और 25 आई स्क्वायर का अंडर रूट 5i होता है, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3i प्लस माइनस 5i अपान 4, दैट इज 3i प्लस 5 अपान 4 और माइनस 3i माइनस 5i अपान 4। माइनस 3i प्लस 5i करेंगे तो आपको 2i अपान 4 प्राप्त होगा और ये आएगा माइनस 8i अपान 4 प्राप्त होगा। 2i अपान 4 इसका मतलब है आपके पास है माइनस i बाई 2 और दैट इज़ माइनस 2i। तो हमें x के दो मान प्राप्त होंगे, 1/2i और माइनस 2i। ये इसका आंसर होगा। थैंक यू।